तो आज मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि ये न्यूज़पेपर से बना है। और ऐसा तो मैं वैसे कई बार बोल चुकी हूँ, बट आज पक्का आप बिल्कुल गेस ही नहीं कर पाओगे कि न्यूज़पेपर से ऐसा भी कुछ बन सकता है। तो अभी तक क्या था ना कि मैं रैंडम जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आता था वो चीज़ मैं बनाती थी, बट अभी मैंने प्लान किया है कि मैं अपने घर का थोड़ा सा मेकओवर करूँगी और जो भी मेकओवर के लिए मुझे सामान चाहिए होगा वो मैं खुद से बनाऊँगी, कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदूँगी। तो मैं देख रही थी कि घर में क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत है डेकोरेशन के लिए और मेकओवर के लिए, तो वो चीज़ों की मैं लिस्ट बना रही हूँ और धीरे धीरे मैं अपने वीडियोस में वो चीज़ें बनाती रहूँगी ताकि जब मैं मेकओवर करूँ फाइनली तो मैं वही सारी चीज़ें अपने मेकओवर में यूज़ करूँ। एंड जब कभी भी मैं मेकओवर करूँगी तो मैं अपने सेकेंड चैनल मानसीज लाइफ पे शेयर करूँगी। तो क्या बनने वाला ये तो आप हमेशा ही थंबनेल में देख लेते हो, तो मैं वो चीज़ दोबारा से बता के क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ, बट क्या बनने वाला है वो सस्पेंस नहीं है, सस्पेंस ये है कि कैसे बनेगा। तो चलो धीरे धीरे सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक कार्डबोर्ड बॉक्स और ये मेरे ट्राइपॉड वाला बॉक्स है। तो इस तरह के जो भी वेस्ट कार्डबोर्ड होते हैं वो आप इस DIY के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास ऐसा वाला बॉक्स नहीं है तो फिर आप ऐसे जो राउंड बॉक्स होते हैं ना जो अक्सर रोल वगैरह में निकलते हैं, जैसे मैंने वॉलपेपर का रोल मंगाया था तो वो इसमें था, तो इस तरह के आप चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो बॉक्स यूज़ कर रही हूँ वो लगभग 24 इंच का है। वैसे तो आप किसी भी साइज़ का बॉक्स ले सकते हो, आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा ही बना सकते हो। मुझे काफ़ी बड़े साइज़ का कार्डबोर्ड चाहिए था इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे अपने घर के लिए एक फ्लोर वास चाहिए, मतलब घर में एक ऐसा कॉर्नर है जो काफ़ी खाली खाली सा दिखता है, तो उस स्पेस को यूज़ करने के लिए मैं ये वास बना रही हूँ। तो बेस में लगाने के लिए मैं एक ये वुडन कोस्टर यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मेरे पास 4 कोस्टर थे और सबको मैं अलग अलग DIY में यूज़ कर चुकी हूँ, अब ये आखिरी बचा है। तो बेस को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, भारी सा रहे, इसके लिए मैं इसको बेस में यूज़ कर रही हूँ। वैसे आपके पास ये नहीं है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप भी बेस में कुछ ऐसा हैवी सा लगाओ। जो भी आप वास बना रहे हो ना उसके अंदर ही आप कुछ भारी सी चीज़, भारी सा पत्थर या स्टोन्स वगैरह रख दो तो वो ऑलरेडी भारी हो जाएगा, बट क्योंकि मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं। तो अब इस बेस को डायरेक्टली कार्डबोर्ड बॉक्स से चिपकाने की बजाय मैं इसको कुछ इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं ताकि जब हम इसको चिपकाएंगे तो अच्छे से दोनों पीसेस अपने आप में चिपके रहेंगे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मेरे घर पे एक ऐसा कॉर्नर है जो कि खाली खाली सा है, तो वहाँ पे रखने के लिए मैं ये वास बना रही हूँ। एंड मेरे पास वहाँ पे रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा टेबल भी नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि ऐसा वास हो जो कि मैं फ्लोर पे रख सकूँ और उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जिससे कि कॉर्नर में वो छुप ना जाए और जो भी मैं वहाँ पे रखूँ वो अच्छे से दिखाई पड़े। तो इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छी खासी हाइट चाहिए थी, इसलिए मैंने ये लंबा सा बॉक्स यूज़ किया है। आप छोटा बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब जो इतनी देर से मैं बकवास करे जा रही थी कि हम न्यूज़पेपर यूज़ करने वाले हैं, तो फाइनली उसकी बारी आ गई है। तो न्यूज़पेपर मैंने ले लिया है ढेर सारा और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, मतलब फाड़ लिया है हाथों से ही। तो ऐसा मैंने ढेर सारा न्यूज़पेपर लिया है क्योंकि मेरा जो कार्डबोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप भी साइज़ के हिसाब से ही लीजिएगा। अगर छोटा आप बना रहे हैं तो थोड़ा ही न्यूज़पेपर में काम हो जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी की क्वांटिटी कोई मेजर नहीं करनी है, इतना डालना है कि सारा पेपर इसमें भीग जाए। और जो भी कार्डबोर्ड का छोटा मोटा पीसेस था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, क्यों वेस्ट होने दो, उसको भी इसी में यूज़ कर लेते हैं। और फिर हम लगभग आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, अच्छे से सोक हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी में डाल के। एंड अगर आपको याद होगा तो ऐसी ही सिमिलर टेक्निक मैंने एक और वीडियो में यूज़ की थी, बट वहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया था और उसमें पेंट मिक्स किया था, बट आज का थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड क्योंकि वो टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मैं उसको दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी। तो इसमें मैंने मिक्स कर लिया है फेविकॉल और थोड़ा सा क्या कहते हैं वॉल पुट्टी, तो 4 चम्मच वॉल पुट्टी मैंने यूज़ की है और 2 चम्मच फेविकॉल है। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हमें निकाल लेना है और बाकी के पार्ट को हम ढक के रख देंगे। अब जो वास है उसको मैं काफ़ी सिंपल रखूँगी, तो काफ़ी सिंपल सी ही डिज़ाइन मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत भरा भरा सा और रंग बिरंगा सा नहीं बनाना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल सा सोबर सा इसको बनाएंगे। तो बीच में मैंने ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और सबसे पहले उन लाइंस के बीच में हम ये जो क्ले सॉर्ट ऑफ थिंग हमने बनाई है न्यूज़पेपर से
उसको फिल कर लेंगे। मतलब इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्ले जैसे ही हो गया है, तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें पानी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिक्स करना है, क्योंकि सोक करने पे ऑलरेडी पेपर ने काफ़ी सारा पानी सोख लिया था और फेविकॉल भी थोड़ा सा गीला होता है, तो इसमें लगभग मॉइस्चर अच्छा खासा रहता है, तो अलग से आपको पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डिज़ाइन बनाई थी उसके बीच में तो इस पेस्ट को हमने फिल कर लिया। अब जो बाकी का स्पेस है वहाँ पूरे में हम इस तरीके से इस पेस्ट को हल्का हल्का स्प्रेड करते जाएंगे। आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है तो आप आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से भी इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ की है। और ज़रूरी नहीं कि यही वाला टेक्सचर आप भी दो, अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है या आपको नहीं मन है इतनी मेहनत करने का, तो आप कोई दूसरा टेक्सचर भी ट्राई कर सकते हो। बट मैं सच बताऊँ, इतना ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, आप आसानी से बना लोगे। तो देखो, इसको मैंने 2 दिन ड्राई होने के लिए रख दिया था और अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको पेंट भी करेंगे। तो इसको पेंट करने के लिए मैं इसको ले आई हूँ छत पे, क्योंकि जब भी मैं स्प्रे पेंट करती हूँ तो छत पे ही ला के करती हूँ, क्योंकि वो स्प्रे पेंट बहुत इधर उधर उड़ता है। तो मैं इस पूरे वास को वाइट कलर से पेंट करने वाली हूँ। अब क्योंकि हमने इस पर टेक्स्चर दिया हुआ है, तो अगर आप नॉर्मल कलर से पेंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ब्रश वगैरह को यूज़ करने में, तो इससे अच्छा है मैंने स्प्रे पेंट ही यूज़ कर लिया। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पेंट भी यूज़ कर सकते हो ब्रश की हेल्प से। अब जो बीच में हमने डिज़ाइन बनाई थी उसको बस हम गोल्डन कलर से हाईलाइट कर देंगे और बस ये रेडी हो जाएगा। तो अब हमने वास तो बना लिया है, अब इतना बड़ा वास है तो उसके अंदर रखने के लिए भी कुछ बड़ा सा चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। तो मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा बोहो टच देते हैं और इसमें कुछ लीव्स बना के रखते हैं। तो मेरे पास ये ब्राउन पेपर था, इसमें से मैं कुछ पीसेस कट कर ले रही हूँ। तो 16 पीसेस हमें कट करने हैं, सबका साइज़ मैंने मेंशन कर दिया है। तो 4-4 पीस को अलग अलग डिफरेंट साइज़ में हमें कट करना है और इसके बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करके बीच में कट लगाना है और ऊपर की साइड हमें ऐसे लीव की तरह ऐसा राउंड थोड़ा सा करते हुए कट कर लेना है। और जब मैं लगातार इतना बोलती रहती हूँ ना, तो मैं फंबल ज़रूर करती हूँ। और पहले क्या करती थी ना कि मैं बार बार रिटेक करती थी, एक बार गलत होता था फिर रिटेक करती थी, मतलब जितनी बार गलत होता था तो मैं 15-20 बार एक ही सेंटेंस को बोल बोल के रिपीट करती थी, तब जाके कहीं सही आता था। बट अब मैं क्या करती हूँ, बोलती जाती हूँ गलत सही जैसा भी होता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा हम्बल हो और इतना बुरा नहीं मानोगे कि अगर मैं कुछ भी गलत सलत बोल देती हूँ तो भी आप लोग इग्नोर कर देते हो। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचना चाहिए, बाकी गलतियाँ तो हम सबसे होती हैं और गलतियों को छुपाने से अच्छा है जो जैसा है वो मैं आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि रियल में हर कोई ऐसे ही होता है यार, इतना फ्लुएंटली हर कोई नहीं बोल पाता है। तो चलो, अब जो बचा हुआ ब्राउन पेपर था उससे मैंने ऐसी एक डंडी टाइप की बना ली है और इसी में हम सारी लीव्स को कुछ इस तरीके से चिपकाते जाएंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अलग अलग टाइप्स की लीव बनाना सिखाया है, आप वो वाली लीव्स भी ट्राई कर सकते हो। और मैं चाहती तो वही वाली लीव्स भी इसमें डेकोरेट कर सकती थी, बट फिर मज़ा नहीं आता ना, आपको लगता कि वही क्या पुरानी चीज़ ही दिखा रही हो। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे और आपको भी कुछ नई तरीके की लीव्स बना के दिखाएंगे, क्योंकि मेरा काम है आइडियाज़ शेयर करना। तो मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा हो सके मैं नए नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। वही पुरानी चीज़ें मैं आराम से बना सकती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आए हो आइडियाज़ देखने, नई नई चीज़ें देखने। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो चीज़ आप देखने आए हो वही आपको दिखाऊँ। तो अब लीव बना ली, अब लीव में लगाने के लिए नीचे मेरे पास लकड़ी भी नहीं थी, मतलब कोई स्टिक भी नहीं थी, बड़ी सी स्टिक हमें चाहिए थी तो वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही बना लेते हैं, अब क्या करें, कहाँ लेने जाती इतनी जल्दी में। तो कुछ इस तरीके से मैंने पेपर को रोल कर लिया और उसके अंदर स्क्यूअर स्टिक को इंसर्ट कर दिया, जिससे कि ये अंदर से भी काफ़ी मजबूत रहें, और ऊपर से पेंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से अब हम इसमें नीचे अटैच कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट लीफ तो रेडी है और ये काफ़ी रियल लुक दे रही है, मतलब सच में जो ड्राइड लीफ होती है ना वैसा लुक दे रही थी। तो चलो और बाकी की लीव्स बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 लीव्स के ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको जो इजी लगता है आप उसी तरह की ही 3-4 बना सकते हो, या इस तरह से अलग अलग टाइप की लीव्स भी बना के डेकोरेट कर सकते हो। तो अब सेकेंड लीव के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर वाली लेयर को हल्का सा गीला करके मैंने इस तरह से निकाल लिया है।
अगर आपकी भी ये लेयर नहीं निकलती तो उसको हल्का सा गीला कर लो, बड़ी आसानी से निकल जाती है। अब लीफ को मैंने आधी लीफ ड्रॉ की है मैंने, और उसको मैं यहाँ पे ट्रेस कर ले रही हूँ। अब मैंने पूरी लीफ एक बार में क्यों नहीं ड्रॉ की, आधी आधी ड्रॉ करके क्यों कट कर रही हूँ वो अभी आपको मैं बताऊँगी। तो जो पैटर्न है ना वो हमें दोनों साइड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाना है, तो इसलिए हम अलग अलग दो सेक्शन में इसको कट कर रहे हैं। अब जो पीछे से हमने पेपर निकाला था वो पेपर मैंने संभाल के रख लिया था, तो उसी पेपर के ऊपर मैं इसको स्टिक कर रही हूँ ताकि पीछे से भी ये ब्राउन कलर का ही दिखाई दे। अब दोनों आधी लीव्स को हम इस तरह से चिपका देंगे, तो आप देख सकते हो जो पैटर्न है वो दोनों तरफ एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हमने इसको आधा आधा कट किया था। तो ये डंडी को पीछे की साइड से कवर करने के लिए भी जो एक्स्ट्रा पेपर ब्राउन वाला निकला था उसे ही हम पीछे चिपका देंगे और कवर कर देंगे। तो इस तरह की मैंने दो लीव्स बनाई थी, बट ये काफ़ी रियल वाला लुक नहीं दे रही थी, तो मैंने हल्का सा ब्राउन कलर में पानी मिक्स करके इस पर अप्लाई कर दिया, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो चलो अब हम लास्ट DIY की तरफ चलते हैं और अपनी थर्ड और सबसे बड़ी वाली लीफ बना लेते हैं। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं काफ़ी बड़ा वास चाह रही हूँ और मुझे कॉर्नर में जगह को, जो खाली जगह है उसको फिल करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बना रही हूँ। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी जगह है, जहाँ पे भी आपको रखना है उस हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ कर सकते हो। तो अब मैं ले रही हूँ ये बर्लैप क्लॉथ और इसके ऊपर भी मैं एक लीफ यहाँ पे पेपर पे पहले मैंने कट कर ली और इसके बाद ट्रेस कर लिया है। मतलब पहले पेपर पे ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो डायरेक्टली भी बर्लैप क्लॉथ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, और ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है। तो अभी ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, और इसको थोड़ा कंप्लीट लुक देने के लिए इस पर मैं बॉर्डर क्रिएट कर दूंगी वाइट कलर से। पहले मैंने इस पर वाइट एक्रीलिक कलर अप्लाई किया, बट फिर ये अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब वैसे तो अच्छा लग रहा था, बट ओवरऑल लुक के साथ जब मैं देख रही थी तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो वाइट को फिर मैंने चेंज करके ब्राउन कर दिया और बीच में मैंने ये स्क्यूअर स्टिक लगा दी, तो ये लीव भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लुक दे रही थी। तो चलो अब देख लेते हैं पूरा लुक। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मेकओवर्स देखने को मिलेंगे, और जब कभी भी मैं मेकओवर वीडियो डालूंगी तो वो मेरे सेकंड वाले चैनल पे आएगा, मानसीज लाइफ पे। तो जिसने भी दूसरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसे लगे आपको आज के DIYs मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।